हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हरशंकर कुमार इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आ रहा हूं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत जो डाटा ऑपरेटर का जो बहाली निकला हुआ है और उसकी जो डेट में जो बढ़ोतरी हुई है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सूचना है। ये बिहार गवर्नमेंट जॉब है और बिहार के सभी जिलों के लिए दिया गया है। तो जैसे ही अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों, तो इस चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को इसी तरह का वीडियो मैं लेके आता रहूंगा। और जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल आइकन घंटा को निशान नहीं दबाते हैं, तब तक आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम से मेरा दूसरा वीडियो नहीं मिलेगा। तो चलते रहिए, बनते रहिए इस वीडियो में, देखते रहिए आगे और चलते हैं आगे। आप लोग को बताता हूँ, जैसे कि लिखा हुआ है ऊपर में देख रहे हैं, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके बाद है ये बिहार का गवर्नमेंट जॉब है। पत्रांक संख्या आप देख भी चुके हैं, दिनांक 14/3/19 से है, लेकिन फिर भी इसकी इसकी डेट में जो बढ़ोतरी हुई है उसके बारे में मैं जानकारी आप लोग को दे रहा हूँ। डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि के परिवर्तन की सूचना। डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना संख्या 17/54/19 दिनांक 8/3/2019 के संबंध में सूचित किया जाता है कि अपरिहार्य कारणवश रजिस्ट्रेशन की आरंभ तिथि 15/3/19 से बढ़ाकर दिनांक 26/3/19 9 बजे प्रातः की गई है। रजिस्ट्रेशन की समाप्ति तिथि 26/4/2019 23:59 तक होगी। अभ्यर्थी तदनुसार रजिस्ट्रेशन कार्य कर सकते हैं। और उसके बाद आगे चलिए मैं दिखाता हूँ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या सम है, किन वेबसाइटों पर आप लोग को जाना है, जैसे कि आप लोग वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं पूरे फ्री साफ साफ यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड विलिंगटन विलिंगटन। उसके बाद है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की निर्धारित प्रक्रिया। रजिस्ट्रेशन के लिए विलिंगटन पर विलिंगटन की वेबसाइट www.willingtron.in या www.bsedde.bihargovernmentin पर कर सकते हैं जाए। रजिस्ट्रेशन लिंक स्क्रीन के दाहिने भाग में सबसे ऊपर को क्लिक करें। एप्लीकेशन पेज खुलने पर अपना नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर भरें। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जेनरेट होगा, इसे नोट करें या यह एसएमएस के रूप में तथा ईमेल के रूप में आपको प्रेषित किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग कर आवेदन की प्रोफाइल पेज को खोलें। आवेदन के सब फाइल को भरें। फोटो, हस्ताक्षर, एड्रेस प्रूफ और शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र दिए गए फाइल साइज में अपलोड करें। इसके बाद चालान सूचित हो जाएगा। चालान डाउनलोड करें तथा प्रिंट करें। चालान को भरकर इंडियन ओवरव्यूज बैंक के किसी भी खाते से जाकर फीस की राशि 100+50 रुपये जमा करें। बैंक द्वारा एक ट्रांजेक्शन नंबर निर्गत किया जाएगा 3 प्रति में। साइट पर जाकर लिंक को क्लिक कर पुनः आवेदन खोलें। आवेदन की अंतिम पृष्ठ में दिए गए फाइल में चालान का ट्रांजेक्शन नंबर भरें। अब सबमिट करें। अब पेमेंट सक्सेसफुल पेड दिखा देगा। अपने भरे हुए एप्लीकेशन को डाउनलोड करें तथा भविष्य के लिए प्रिंट कर सकते हैं रखें। तो यह प्रक्रिया आप लोग को मैं दिखाया डाटा ऑपरेटर के जो बहाली निकला हुआ बिहार में सभी जिलों के लिए। तो आप लोग इसको ज़रूर भरें और इस चैनल को आप लोग इतना से इतना सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के लिए मैं इसी तरह अपडेट लेके आता रहूँगा। क्योंकि कंप्यूटर से जानकारी जिसको है, कंप्यूटर से जिसके जानकारी है, अधिक से अधिक आप लोग इस चीज़ में आप लोग भर सकते हैं। थैंक्स मेरे दोस्तों। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। मैं आप लोगों के लिए फिर से अगले वीडियो में लेके आऊँगा इसी तरह का मज़ेदार खबरी, जैसे कि आप लोग जाने होंगे, इसको सुने होंगे और देखे होंगे। हरिशंकर कुमार यूट्यूब चैनल को आप लोग देखते रहिए, इसको शेयर करते रहिए। आप लोग बने रहिए।